बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरानी फैसले जिल्द बसमी बाब अवल क़ुर करीम की ताबीर में इख्तलाफ सवाल आप कहते हैं कि कानून साजी के सिलसिले में अगर कुरान मजिद को बुनियादी सनत करार दे दिया जाए तो मौजूदा इख्तलाफा भी मिट सकते हैं और एक ऐसा जबता भी मुद्वन हो सकता है जिसका इतना तमाम मुसलमानों पर यकसा हो सके लेकिन मौलवी साहिबान इसके खिलाफ ये एतराज़ पेश करते हैं कि कुरान मजीद की तबीर में खुद अख्तलाफ है इससे इख्तलाफ किस तरह से मिट सकेंगे और एक मुतफ़ अलह जब्ता किस तरह मुरतब हो सकेगा क्या आप इसकी वजात फरमाएंगे जवाब हमारे मौलवी साहिबान की तो हालत अजीब है कुरान करीम के मतलब जब इनसे बात सुनो तो इसमें ये बताएंगे कि खुदा की आखिरी किताब बे मिसल बेनजीर है दुनिया भर के इंसान मिलकर इसकी मानंद कोई किताब नहीं बना सकते ये इस किताब अजीम का मुआजा है जिसके सामने अरब भी सरनगुँ थे और आज तक कोई इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा लेकिन जब इनसे इस किताब को जब्त शरीत बनाने के मुतालिक कहा जाए तो ये दुनिया भर के नाकाइ इस किताब में गिनाए चले जाएंगे। ये नामकमल है इसमें अहकाम दिए गए हैं लेकिन उनकी अमली तफसील कहीं नहीं दी गई यहर वाज है और मुबहम है ये अपना मतलब वाज तौर पर बयान नहीं कर सकती इसमें तजादात हैं जिनके रफ़ा करने का तरीका ये है कि बाज़ आयत को नासिक माना जाए और बाज़ को मनसूख लेकिन इसने ये भी नहीं बताया कि इसकी कौन सी आयात नासिक हैं और कौन से मनसूख बाज़ आयात ऐसी भी हैं जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं लेकिन उनका हुक्म बाकी है इसकी मुख्त करतेतें हैं यानी एक आयत कुरान करीम में किस किसी तरह लिखी हुई है और बाद सहाबा इसे किसी और तरह से पढ़ते थे वगैरह वगैरह आप गौर कीजिए कि जितने नकाइश ये हजरा इस किताब में बयान फरमाते हैं इनमें से कोई एक नुकसि उनकी अपनी किताब में दिखा दिया जाए तो ये उस शख्स के गले पड़ जाएंगे और कभी मानने के लिए तैयार ना होंगे कि इसमें ऐसा नुस मौजूद है अब इन नकायस की फहरिस्त में एक और इजाफा भी हो गया है और वो ये कि उसकी आयात के अलफा तो अपनी जगह ठीक है लेकिन उनकी ताबीर इंटरप्रिटेशन में अख्तलाफ है इसलिए इनका कोई मुतफिकफूम नहीं लिया जा सकता लिहाजा ये मुसलमानों का जबतान बदल सकने के, के काबिल नहीं है कुर करीम में अहकाम भी हैं और अकाइक भी हैं तारीखी नजार भी हैं और इल्मी दलाइल भी हैं कानून साजी के सिलसिले में चूँकि मामला अहकाम से मुतालिक होता है इसलिए हम बुनियादी तौर पर इसके इसी हिस्से को लेते हैं जहाँ तक अहकाम का ताल्लुक है कुर करीम में बाज़काम मतिन क़ानून की शक्ल में दिए गए हैं जैसे हुररमत अल कम चार बटा तेईस और बादज असूलों की शक्ल में मस ए दलू जहाँ तक मतयन अहकाम का ताल्लुक है इनमें किसी तब तबीर का सवाल ही पैदा नहीं होता है वो अहकाम वाज मत और महकम है मसला जो मिसाल हमने ऊपर पेश की है कि तुम पर तुम्हारी माएँ हराम हैं ज़रा सोचिए कि इसमें दो ताबीरें मुमकिन हैं इसमें एक ही सवाल पैदा हो सकता है कि माओ में सोतली माएँ भी शामिल हैं या नहीं तो इसकी वजह कुरान करीम ने यह कह कहकर कर दी कि हो माँ निकाह अबा हुकुम मिन न चार बटा बाईस इन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं बात वाजह हो गई कि हकीकी और सोतीली माँ दोनों माएँ हराम हैं हती के रज़ाई माएँ भी चार बटा तेईस जहाँ तक उसूली अकाम का ताल्लुक है वो भी अपने मफह के एतबार से वाज और दो ठोकें इन्हें उूली तौर पर बयान करने से मकसद ये है कि कुरानी ममलिकत इन असूलों की रोशनी में अपने अपने ज़माने के मकतज़ियात की रोशनी में तफसीलीकाम खुद मदबन करे कुरान के असूल हमेशा मतबदल रहेंगे और इनकी चार दीवारी के अंदर रहते हुए जो जुजई अहकाम मरतब किए जाएँगे उनमें हालात के तकाजों के मुताबिक रद्दबदल हो सकेगा अदल करो एक असूली हुक्म है अदल किसे कहते हैं इसकी वजाहत मख्तलि मकाम पर खुद कुरान ने कर दी है लेकिन ये अमूर के ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अदल की शक्ल क्या होगी अदल करने की अमली सूरतें क्या होंगी किस मकाम पर कहा जाएगा कि यह फैसला अदल के मुताबिक नहीं वगैरह वगैरह इस्लामी निज़ाम ममलिकत के तय करने के होंगे इस तरह ये फरीज़ा भी इस्लामी ममलिकत का होगा कि कुरान में जो असलाहत आई हैं इनका मंदूक मत किया जाए मसला क़ुरन में अलमर की ममानियत आई है इस इसलाह का इतला कौन कौन सी चीज़ों पर होगा और किन किन हालात में इसका तयन भी निज़ाम ममलिकत करेगा इसी तरह कुरान करीम के मतिन अहकाम की रोशनी में इनसे मिलते जुलते हालात के लिए कवानी की तदवीन भी इसी ममलिकत की जिम्मेदारी होगी कुरने करीम ने अमूर ममलिकत के सिलसिले में मुशावरत को जरूरी करार दिया है इस मुशात की मशीनरी की क्या शक्ल होगी इसका तयन भी इसने ममलिकत पर छोड़ दिया है मशवरा देते वक्त मुख्तलिफ अरबाब फिक्र नज़र की आरा मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन जब इसके बाद ममलिकत किसी फैसले पर पहुँच कर कानून नाफिज कर देगी तो इसकी अतात सब पर लाजिम आ जाएगी अगर कोई शख्स इसमें कोई तरमीम चाहेगा तो उसके लिए उसे वही तरीक़ कार कार्तियार करना होगा जो इस मकसद के लिए निज़ाम ममलिकत ने तय किया हो गौर कीजिए मौलवी साहिबान जिस चीज़ को ताबीर के इख्लाफ का हवा बनाकर पेश करते हैं इस्लामी निज़ाम ममलिकत में इसका कोई वजूद भी है ये इख्तलाफ इस वक्त पैदा होते हैं जब निजाम ममलिकत मौजूद न हो और ताबीर का हक हर एक को इनफरादी तौर पर दे दिया जाए हमारे मौलवी साहिबान के जहन में निज़ाम का तस्वूर ही नहीं इनके नज़दीक इस्लाम इनफरादी ज़िंदगी का नाम है और इफरादी ज़िंदगी में कवानी तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये भी तय नहीं हो सकता कि नमाज में आमीन ऊंची आवाज़ से कहनी चाहिए या नीची आवाज़ से इसलिए ये समझ सकना इनके बस की बात नहीं कि एक निज़ाम के तब इख्त किस तरह मिट जाया करते हैं इनकी यही बेबसी थी जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकत की इमाम इनकी बेबसी का ये आलम और हमारी सादा लोही की ये कैफियत के हम समझते हैं कि इनके बगैर इस्लामी जब्त कवानीन भी नहीं हो सकता नतीजा जाहिर है बाकी रहे खुद हक जिन्हें कुरान करीम ने तशवी अंदाज में बयान किया है जिन्हें वो मतशा बेहद कहकर पुकारता है मसलन कान अर्श अरश ग्यारह बटा सात खुदा का अर्श पानी परे सो so, इनका समझना इंसान की इलमी सतह की नस्बत से है इंसान की इलमी सतह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हो सकती है और जो जो जूं ज़माना आगे बढ़ रहा है ये सतह बुलंद से बुलंद होते चली जा रही है इसलिए इन तशबी हक़ाक़ के मुतालिक मख्तफ अदवार में मख्तल तबीरत हो सकती हैं नीज किसी एक दौर में भी मुख्तलिफ अफराद की सतह के मुताबिक मुख्तलिफ लेकिन इनके मुताबिक ताबीर के इख्लाफ से ना उम्मत की अमली ज़िंदगी पर असर पड़ता है और ना इजमाही निज़ाम और जबतए कवानी पर इसके लिए सिर्फ इतनी एहतियात की ज़रूरत है कि कोई ताबीर क़ुरान के असूल से ना टकराए लेकिन इस बात में हमारे मौलवी साहिबान का मशत ये है कि इन हक़ के मतलब जो कुछ मतकदमीन ने लिख दिया है वही हक व सदाकत है और इससे अख्तिलाफ़ कुफ औरत ये मस्तक कुरान करीम की बुनियादी तालीम के खिलाफ हैं जो इंसानों को तदब्बर और तफक् की शिद्दत से ताकद करता है और ज़ाहिर है कि यह हुक्म ना तो किसी ख़ास दौर के इंसानों तक महदूद हो सकता है ना किसी ख़ास ग्रोह के अंदर मुकैत ना ही इस बा में किसी फ़र्द को इसका हक पहुँचता है कि वह अपने तदब्बर के नतीजे को हुरफ आखिर करार देकर इसे कुफर ईमान का म्यार ठहराए अगस्त उन्नीस सौ पैंसठ कुरान मजीद की हनफी की तफसीर इस अकतबास को गौर से पढ़िए सदियों से हमारा सरमाया हदीस व तफसीर ग्ररोही असबियत का तख्त मश्क है यानी तपासिरदीस के मजमू शाफुल मजहब के कलम से तैयार होते रहे कोई बुरी बात नहीं इल की खदमत जिस हल्के से भी हो खुश आइंद है जिस जमात की तरफ से हो काबिल पजीराई है मगर अफसोस इल जैसे लाजवाल अबदीत निशान सब की दौलत सब के सरमाए को हर असबियत से पाक होना चाहिए था लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और अपने अपने मसलक की तर्जमान तबसर व हदीस की तूल और तवील किताबें भी बन गईं बहरहाल जो कुछ हो चुका है उसका तजारुक इसके सिवा और क्या है कि ख़ास हनफी नुकतः नज़र से भी कुरान मजीद की तफसर मदारक का उर्दू तर्जुमा आज मौलाना सैद अंजर शाह मदरस दार्लू देवबंद पारा अव्वल का जुज अवल सभा अब आपने समझा कि हर फ़िरके का कुरान किस तरह अलग अलग हो गया है और ये भी कि मरवजा तफासिर और उन पर मबनी तराजुम की रूह से किस किस्म का कुरान आपके सामने आ सकता है सच कहा था हकीम मलमत नहीं की जमन बर सूफ़ी मुल्ला सलामे के पैगाम खुदा गुफ्त नद मारा वल तावील शाह दर हैरत खुदा उजब्रैल मुस्तफारा उन्नीस सौ उनत्तर ईस्वी कुतुब तफसिर मौलाना सिंधी मरहूम कुतुब तफसीर के मुतल लिखते हैं हमने इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर पढ़ी नीज़ जार्ह जमाशरी की किताब का मताले किया इसके अलावा आलम अतंज़ील अजफ़रा बघवी और तफसर हाफिज अपने कसर पढ़ी इन सब तफसरों के जरिए हमने कुरान समझने की अपनी इस्तात के मुताबिक पूरी कोशिश की लेकिन सिवा तहर के हमें कुछ नसीब ना हुआ अगर जमाना तालब इिलमी में हमने नजुमा हज़रत शेखुल हिंद से चंद आयतों की तफसीर जो किताबों में नहीं मिलती न सुनी होती और हमारे लिए वो इतमान का जरिया न बनती नीज़ इस्लाम मौलाना महमद कासिम नानोतवी की बाज़ तफसीरी जुमले न पढ़े होते तो कदमा की इन तफसीरों को पढ़कर हम इल तफसीर के हसूल से कतअअ मायूस हो जाते बेशक हम इस अमर का एतराफ़ करते हैं कि पहले ज़माने में मुसलमानों ने इन्हीं किताबों की मदद से कुरान समझा था और इन्हीं असूल व कवायद पर इन्होंने अपने इश्त की बुनियाद कुरान की हकूमत कायम की थी लेकिन जहाँ तक उस जमाने का ताल्लुक है हमारे लिए इस किस्म की तफसीरों से कुरान फहमी नामुमकिन है अजमानामा अर रहीम सितम्बर उन्नीस सौ पैंसठ और दिसंबर उन्नीस सौ छियासठ ईस्वी क्या कुरने करीब मुकम्मल ज़्यादात है सात दिसम्बर उन्नीस सौ सत्तर के के मौके पर टेलीविज़न पर जो मसलसल प्रोग्राम नशर हुआ इसमें एक मुजाकर भी मंदिर जबालान से शामिल था मजलिस मुजाकर में कराची के दो बजुर्ग थे और तीसरे साहब उनका दमिया निवास था इनमें से एक साहब ने तो ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि, कि कुरान करीम तिलावत के लिए है इसे जब्ता वगैरह नहीं कहा जा सकता दूसरे साहब ने इनसे अख्तिलाफ़ तो किया लेकिन जवाब में कोई मत और वाज बात ना कही लिहाजा मौजू न सिर्फ़ मुबहम रह गया बल्कि ने सामीन के दिलों में शकों को शुबा पैदा करने का मौजब भी बन गया हमारी समझ में तो ये बात ही नहीं आती कि टेलीविज़न या रेडियो के अरबाब में नजमो नसब को जिस मैदान में वर्क हासिल न हो वो इसे अपने प्रोग्रामों में शामिल क्यों कर लेते हैं सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए किनवान में लफ्ज़े का मफहम क्या है हमारे यहाँ ये लफ्ज़ एक कानूनी असतला के तौर पर इस्तेमाल होता है मसला ज़बतः फ़ौजदारी जबतः दीवानी वगैरह इससे मुराद होता है कि ऐसा मजमू कवानी जिसमें मुतल कवानीन और इनकी तफासिल और जज्जियात वगैरह मंदरज हों कुरान करीम इन मानों में जबता हयात नहीं है अगर हम जब के मायने जब्त यानी कंट्रोल में रखने वाला कर लें तो फिर बात वाज हो जाएगी इस सूरत में इसका मफह यह होगा कि कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी के तकाजों को कंट्रोल में रखता है इन्हें बेबाक नहीं होने देता मसला जिनसी जज्बा इंसानी ज़िंदगी का तकाजा है और कुरान करीम वो हदूद मत करता है जिसके अंदर रहते हुए इस तकाजे की तस्किन की जा सकती है यह मसला जल्ब मनफियत इंसानी ज़िंदगी का तकाजा है और कुरान करीम वो हदूद वदूद मत करता है जिसके अंदर रहते हुए इंसान इस तकाजे को पूरा कर सकता है कुरान करीम में बजस मदूद चंद कवानीन के इसी किस्म के हदूद और असगूल दिए गए हैं जो जब्त हयात का काम देते हैं इसमें इन जवाब यानी हदूद की जुजियात नहीं दी गई इन जुजियात को अपने अपने ज़माने के तकाजे के मुताबिक मिलत का कुरानी निज़ाम बाहिनी मुशावरत से खुद मत करेगा ये जुजियत बदलती रहेंगी लेकिन कुरानी हदूद हमेशा के लिए गैरमतबल रहेंगी अब रहा सवाल इस जबते के मुकमल होने का सो इंसानी ज़िंदगी की दो सतहें एक इसकी तभी ज़िंदगी वो दूसरी वो जिंदगी जिसे समझने की खातिर आप इंसानी ज़िंदगी कह लीजिए जहाँ तक तभी ज़िंदगी का ताल्लुक है वो जिसम से मुतालिक तभी कवानीन के ताबे रहती है ये मैदान क़ुर करीम के अहात हिदायत से बाहर है अगरचे इसके लिए भी इसमें कहीं कहीं कोई इशारा मिल जाता है कुरान का हक़ीकी मौजू इस ज़िंदगी है और ये हकीकत है कि इस ज़िंदगी के जुमला तकाजों के मुतिक इसमें जवाब अहदूद मौजूद हैं इस एतबार से ये जबतः हयात मुकम्मल है, है। अल्लाह ताली ने इसी नहज से कुरान करीम को मुकम्मल भी कहा मतबद्दल मम्म कार्यमत रबी को सब मबद कलिमात ही छः बटाई सौ सोलह वाजह रहे कि कुरान करीम में जबते का लफ्ज़ कहीं नहीं आया उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी ना व मनसुख का अकीदा इस जमन में कुरानी फैसले हिस्सा ऐसा सफा दो सौ उनतालीस एडिशन सौ मार्च उन्नीस सौ बानवे ईस्वी को भी देख लीजिएगा कुरान करीम के रूह से किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए जिन चीज़ों पर ईमान लाना जरूरी है इनमें से एक खुतबा भी है यानी खुदा की किताबों पर ईमान इन किताबों में वो भी शामिल हैं जो हुजूर नबी अकरम से पहले के अम्बिया कराम को खुदा की तरफ से मिली वाजह रही कि कुरान मजीद की तस्रीक के मुताबिक किताब हर नबी को मिली थी नबी बिला किताब का अकीदा कुरान करीम की नस् के खिलाफ है और इस किताब पर भी जो हुजूर पर नाजिल हुई यानी कुरान करी इनमें फ़र्क़ यह कि अम्बिया सबिका की किताबों पर सिर्फ इस हद तक ईमान ज़रूरी है कि वो अपने अपने वक्त में मुखलिफ अम्बिया को मिले मिली लेकिन इसके बाद वो अपनी असली हालत में बाकी ना रही इनमें तहरीफ हो गई और यह वो बुला दी गई यह हवाद से अर्जी और समाविक की नज़र हो गई इंद के बरस पुरानी मजदीद जो इस वक्त उम्मत के पास है हरफन हुरफन वही है जिसे खुदा ने रसोल्ला पर नाजिल किया और जिसे रसोल्ला ने उम्मत को दिया इसमें एक नुकतः या शोशे का भी फ़र्क नहीं है इससे आपने देख लिया कि ये जो हमारा दावा है कि आप इस्लाम ही खुदा का सच्चा दीन है तो इसकी बुनियाद ये है कि मनजल मिनल्ला किताब इस आसमान के नीचे अब सिर्फ कुरान मजीद है दीगर मजहब किताबें जिन्हें वो अपने बानिया ने मजाब की तरफ से मनसूब करते हैं अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं हैं मुसलमानों का यह दावा कि जो किताबें दीगर अहले मजाब अपने अम्बिया की तरफ मनसूब करते हैं वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं हो ऐसी मौकम शहादत पर मबनी है जिसकी तरद वो अह मब कर नहीं सकते थे लिहाजा उन्होंने इसे आजिज़ आकर यह साजिश शुरू की कि खुद कुरान के मुतल ये साबित कर दिया जाए कि ये भी अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है इसके लिए इन्होंने रिवायत वज़ा की और कसरत से वज़ा की और उन्हें इन किताबों में दाखिल कर दिया जिन्हें सही तरीन कुतुब अहदीस करार दिया जाता है इस किस्म के अकायद के कुरान करीम को ख़ुद रसोल्ला ने जमा और मरत शुदा शक्ल में उम्मत को नहीं दिया था इसे बाद में मरतब किया गया था मख्तल साहबा के पास कुरान के मुख़लि नुस्ख़े थे जिनमें बेहद इख्तलाफ था कुरान का जो नुस्खा हज़त उस्मान ने जमा किया इसमें भी तगैर तबदल हुआ वगैरह इन्हीं रवायत के पैदा करता हैं इन्हीं अकायद में एक अकीदा कुरान में नासिक व मनसूख का भी है और इस अक़ीदे की रूह से तस्लीम ये किया जाता है कि खुदा की तरफ से कुछ अहकाम नाजल होते थे उन्हें भी वो मनसूख कर देता था कुरान की वो आयात जिन में अहकाम दिए गए थे अगर लिखी हुई होती तो रसोल साहबा को हुक्म दे देते कि उन्हें मिटा दिया जाए अगर वो रसूल अल्लाह और साहबा को हिफ्ज याद होती तो खुदा उन्हें उनके हाफसे से मह महफ कर देता ये वो आयतें जिनके मुतालिक अकैदा ये है कि इनका हुक्म भी मनसूख है और तलावत भी दूसरा अकैदा यह है कि ऐसी आयत भी है जो कुरन क़रीम में तो मौजूद नहीं लेकिन इनका हुक्म बाकी है और तीसरी किस्म इन आयत की है जो कुरने करीब में मौजूद तो हैं लेकिन उनका हुक्म मनसूख हो चुका है वाज रहे कि कुर करीब में इन तीनों किस्मों की आयात में से किसी एक के मुतालिक भी ये नहीं कहा गया कि खुदा ने इसका हुक्म या इसकी तिलावत मनसूख कर दी है ना ही कहीं यह आया है कि ऐसी आयात भी थी जो पहले नाजिल हुई थी लेकिन बाद में इन्हें हाफ़िज़ों से भी महू कर दिया गया और जहाँ जहाँ वो लिखी हुई थी वहाँ से भी उन्हें मिटा दिया गया ये सब कुछ कुतब रिवायत में है ज़ाहिर है कि इस किस्म के कुरान के मुतालिक बीसों शकूक उभरेंगे और इस पर सैकड़ों एतराज़ा वारिद होंगे हमारे कराम की तरफ से उनका क्या जवाब दिया जाता है वो काबिल गौर है कराची से एक महानमा शाया होता है अलबलाग जिसके मुदीर मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं इस मुजले की सितम्बर उन्नीस सौ चौहत्तर की अशात में खुद मुदीर के कलम से एक मकाला शाया हुआ है जिसका है हिफाजत क़ुरान के मुतल शुबहत और उनका जवाब इस मकाले के मुत मुत अकतबास दर्ज झेल हैं इकतबास तवील हैं लेकिन इसके बगैर बात समझ में नहीं आ सकती थी इसलिए हमने इस तवालत को गवारा कर लिया है मुलायजा फरमाई अलबला के अकतबास मशहूर मुस्तरक एफ बहल ने दावा किया है कि अहद रसालत की इब्तदा कुरान करीम की आयात लिखी नहीं जाती थीं बल्कि इन हिफाजत का सारा दारदार आज़र सल्हल और आपके असाब के हाफजे पर था चुनाचे ये एन मुमकिन है कि इब्तदाई ज़माने की कुरानी आयात महफूज न रही हों अपने इस दावे की दलील में बहल ने कुर करीम की दो आयत पेश की हैं का फला तंसा इल्ला मा तुरा आला छः सात हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप भूलेंगे नहीं मगर जो कुछ अल्लाह चाहे और दूसरा शुर बकर सौ छः हम जिस आयत को भी मनसूख करेंगे या भुला देंगे हम इससे बेहतर इस जैसी ले आएंगे लेकिन जो शख्स भी कुरान करीम और इसकी तफसीर से अदना बाफियत रखता हो वो इस एतराज़ की लघवीत महसूस कर सकता है इसलिए कि इन दोनों आयतों में कुरान करीम की मनसूख आयत की तरफ इशारा किया गया है पहली आयत का शान नजुल यह है कि जब ज़िब्राइल अमीन आसमाम कुरान करीम की कुछ आयत लेकर नाजिल होते तो आ हज़रतली वसलम उन्हें भूल जाने के खौफ से बार बार दोहराते रहते थे और इसमें आपको शदीद तआब होता था इस आयत में आपको यह उत्मान दिलाया गया कि आपको याद करने की मशक्कत बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं अल्लाह तला ने खुद कुरान की हिफाजत का ज़ुमा लिया है लिहाजा आप इन आयात को भूल नहीं सकेंगे लेकिन इस पर यहकाल हो सकता था कि कुर करीम की बाज आयात तो बाद में मनसूख होने के सबब अफजे से महू हो गए इसका जवाब देने के लिए इल्ला माशाल्लाह मगर जो कुछ अल्लाह चाहे के अल्फाज बढ़ा दिए गए हैं जिनका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला किसी आयत को मनसूख करेगा तो सिर्फ उसी वक्त वह आयत आपके हाफजे से महू हो सकेगी इसके बगैर नहीं इसी तरह दूसरी आयत में भी ज्यादा से ज़्यादा इतना बयान किया गया है कि बाज़ आयत मनसूख होने की बिना पर आपके और साहबा के हाफज़ों से महू हो जाएंगी लिहाजा इन दो आयतों से ज़्यादा से ज़्यादा जो बात साबित होती है वो ये है कि बाज़ आयत को जब अल्लाह ताली ने मनसूख फरमा दिया तो उनकी किताबत को मिटाने का हुक्म तो दिया ही गया मगर साथ साथ उन्हें लोगों के हादसे से भी महव कर दिया गया वरना जहाँ तक गैर मनसूख आयतों का ताल्लुक है उनके बारे में तो सराहतन कहा जा रहा है कि आप उन्हें कभी नहीं भूल सकेंगे इससे ये بات آخر کیسے نکل کہ جو آيات منسوخ نہیں ہوئیں ان کے فراموش ہو جانے کا بھی کوئی امکان ہے دوسرا اقتباس ملائزہ ہو مار گولیوت نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لقد انزلت آ الرجم ورضعات البر عشرا فانت في ورقة تحت سرر في

तकलीफ़ शुरू हुई तो हम आपकी देखभाल में मसरूफ हो गए हमारा एक पालतू जानवर था वो आया और उसने वो कागज़ खा लिया लेकिन हकीकत ये है कि इस रिवायत में हज़रत आयशा ने जिन आयतों का जिक्र फरमाया है ये जमाए उम्मत वो आयतें हैं जिनकी तिलावत मनसूख हो चुकी थी ख़ुद हजरत आयशा भी इन आयतों के कुल तिलावत होने की कायल हैं लिहाजा अगर इन्होंने यह आयात किसी कागज़ पर लिख कर रखी हुई थी तो इसका मंशा सिवाय एक यादगार के तहफ़ के कुछ न था वरना अगर ये आयात हजरत आयशा के नज़दीक कुरान करीम का जुज़्व होती तो वो कम अज़ कम इनको तो याद थी वो इनको कुरान करीम के नुस्ख़ों में दर्ज कराती लेकिन इन्होंने सारी उम्र ऐसी कोई कोशिश नहीं की इससे साफ वाज है कि खुद हजरत आयशा के नज़दीक ये आयात महज एक इलमी यादगार की हैसियत रखती थी और कुरने करीम की दूसरी आयत की तरह इसको मसहफ में दर्ज कराने का कोई अहमाम उनके पेश नज़र भी नहीं था लिहाजा इस वाक़े से कुर करीम की हिफाजत पर कोई हरफ़ नहीं आता ये हैं वो जवाब जिनसे ये हजरात मतम हो जाते हैं कि हमने मोतरजन को अगर क़ायल नहीं कर दिया तो कम अज कम उनका मुँह बंद कर दिए हम पूछते हैं अपने कारयन बिलखसूस कौम के नौजवान तलमया याफ्तः तबके से कि मुस्तशरकिन को तो छोड़िए क्या वो इन जवाब से मुतमिन हो गए और इनसे इनके इनके शकुक शुबात दूर हो गए शकुक शुबात का दूर होना तो एक तरफ इनसे तो मजीद शकुक व शुब उभर आते हैं मसलन पहले इस आयत को लीजिए जिससे हजरत आयशा का जानवर खा गया था कहा यह गया है कि ये इन आयत में से थी जिन्हें खुदा ने मनसुख करार दे दिया था इन आयात के मतलब पहले कहा गया है कि रसोल्ला दे देते थे कि अगर ये आयत कहीं लिख कर रखी हैं तो उन्हें मिटा दिया जाए और अगर ये हाफजे में होती तो खुदा खुद उन्हें रसोल्ला और दूसरों लोगों के हाफजे से महव कर देता ये आयत हज़रत आयशा के पास लिखी हुई शक्ल में मौजूद थी लेकिन उन्होंने इसे रसूलुल्लाह के हुक्म देने के बावजूद मिटाया नहीं क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसा भी होता था कि रसूलुल्लाह एक बात का हुक्म देते तो साहबा और वो भी हजूर की अजवाज मतहारात इसकी तामील न करते इसकी तोजी ये बताई गई है कि हजरत आयशा ने इसे एक यादगार के तहफ़ के तौर पर किसी कागज़ पर लिख रखा होगा सवाल यह है कि इन आयत को बतौर यादगार महफूज रखने से क्या इर्शाद रसूल्ला की तामील और खुद मनशा खुदाबंदी की तकमील की इन आयात को मिटा दिया जाए हो जाती थी ज़ाहिर कैसा नहीं हो सकता था तो क्या इसे बावर कर लिया जाए कि उस ज़माने में इर्शादा रसूलुल्लाह की तामिल और मनशा खुदाबंदी की तकमील इसी तरह हुआ करती थी और फिर इसका क्या सबूत है कि ऐसा सिर्फ़ हज़रत आयशा ने किया और वो भी सिर्फ एक आयत के सिलसिले में किया था क्या मालूम कितने साहबा ने इन आयत को लिख रखा था और ये भी क्या मालूम कि वो कहाँ कहाँ तशरीफ ले जा चुके होंगे और उन तक रसोल्ला का ये हुक्म पहुँचा भी होगा या नहीं कि इन आयत को मिटा दिया जाए वो तो इन आयत को कुर करीम का जज्व समझते थे और इसी हैसियत से उन्होंने इन्हें महफूज रख को छोड़ा होगा क्या इससे इन आयत की तनसीख का मकसद खुदाबंदी पूरा हो गया था और क्या बात हजार जब साहबा एक दूसरे से मिलते होंगे तो इन आयत के मुतालिक नजा नज नज़ात पैदा ना होती होंगी कि क्या ये कुरान का जज्व है या नहीं है अब आइए इस आयत के मतन की तरफ जिसके मतलब उस्मानी साहब ने फरमाया कि खुदा ने इसे मनसूख कर दिया था और इसे हजरत आयशा का जानवर खा गया था इस आयत में एक हुक्म जानी और जान को संसार रजम करने का था तफसीरबन कसीर का शुमार अहलसन्नत वजाम की नहायत काबिल अहतम कुतुब तफासिर में होता है देखिए कि इसमें इस आयत के मतलब क्या कहा गया है इसमें सुर नूर की दूसरी आयत जिसमें हुक्म खुदाबंदी है कि जानी मर्द और जानी औरत की सज़ा सो सो कोड़े है की तफसीर में लिखा है मोता इमाम मालिक में है कि हजरत उमर रजी तन हो ने अपने एक खुतबे में अहमदोसना तो की बात फरमाया लोगो अल्लाह तला ने हजरत मोहम्मद सल्ह वसलम को हक के साथ भेजा और आप पर अपनी किताब नाजिल की इस किताबुल्ला में रजम करने के हुक्म की आयत भी थी जो हमने तिलावत की याद की और इस पर अमल भी किया खुद हुजूर के ज़माने में भी रजम हुआ और हमने भी आपके बाद रजम किया मुझे डर लगता है कि कुछ ज़माना गुजरने के बाद कोई ये न कहने लगे कि हम रजम को किताबुल्ला में नहीं पाते ऐसा ना हो कि वो खुदा की इस फरीज़े को जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में उतारा छोड़ कर मर जाए किताबुल्लह में रजम का हुक्म मतलक हो हक है और इस पर जो जिना करे और हो शादीशुदा खा खाम मर्द हो या औरत जबकि इसके जना पर कोई शरीय सबूत या हमल मौजूद हो यह हदीस सही में इससे भी मुतवल मौजूद है मस्ता अहमद में है कि आपने अपने खुद में फरमाया कि लोग कहते हैं कि हम रजम यानी संसारी का मसला कुरान में नहीं पाते हैं कुरान में सिर्फ कोड़े मारने का हुक्म है याद रखो खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया और हमने भी आपके बाद रजम किया अगर मुझे ये खौफ ना होता कि लोग कहेंगे क्या लोग कहेंगे ये कुरान में जो न था उमर ने लिख दिया तो मैं आयत रजम को इस तरह लिख देता जिस तरह नाजिल हुई थी यह हदीस नसाई शरीफ में भी है मसंद अहमद में है कि आपने अपने खुतबे में रजम का जिक्र किया और फ़रमाया रजम ज़रूरी है वो अल्लाह ताला की हदूद में से एक है ख़ुद हुजूर ने रजम किया और हमने भी आपके बाद रजम किया अगर लोगों के इस कहने का खुटका न होता कि हज उमर ने किताबुल्लह में ज्यादती की जो इसमें न थी तो मैं किताबुल्लह के एक तरफ आयत रज़म लिख देता खताब अब्दुल्ला बिन औफ और फलाँ और फ़लाँ की शहादत है कि आज़रत सल्ला वसलम ने रजम किया और हमने भी रजम किया याद रखो तुम्हारे बाद ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम को और शफात को और रजाव क़ब्र को जुटलाएंगे और इस बात को भी कि कुछ लोग जहन्नम से इसके बाद निकाले जाएंगे कि वो कोयले हो गए होंगे मसना अहमद में लिखा है कि हज़रत उमर हज़रतमर रजिय ने फरमाया रजम के हुक्म के इनकार करने की हलाकत से बचना इमाम तिरमिजी भी इसे लाए हैं और इसे सही कहा अली मोस्टली में है कि मरवान के पास बैठे हुए थे हजरत जैद बिन साबित भी थे आपने फरमाया कि हम कुरान में पढ़ते थे कि शादीशुदा मर्द या औरत जब जनाकारी करें तो इन्हें ज़रूर रज़म कर दो मरवान ने कहा कि फिर तुमने इस आयत को कुरान में न लिख लिया फरमाया सुनो हम जब इसका जिक्र चला तो हजरत उमर बिन खताब रजील् ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तशफ़ी कर देता हूँ कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उसने आपसे ऐसा ज़िक्र किया और रजम का बयान किया किसी ने कही रसोल्ला आप रजम की आयत लिख लीजिए आपने फरमाया कि अब तो मैंने इसे नहीं लिख सकता यह के मिसल ये रिवायत नसाई में भी है बस इन सब अहादत से साबित हुआ कि रजम की आयत पहले लिखी हुई थी या फिर तिलावत में मनसूख हो गई थी और हुक्म बाकी रहा था आपने गौर फरमाया कि हिफाजत तो कुरान के सिलसिले में हमारी कुतुब एहादीस तफ़ासिर में क्या कहा गया है और आपको शायद इसका भी इल्म होगा कि हमारे यहाँ रजम का ये हुक्म बदस्तूर चला आ रहा है शर्वानी की रूह से गैर शादी शुदा जानी और जानिया को कोड़े मारे जाते हैं और शादी शुदा को सन्सार किया जाता है और ऐसा ईसायत की रूह से किया जाता है कि कुरान में तो मौजूद नहीं लेकिन इसका हुक्म बदस्तूर मौजूद है और इस पर हम मुसलमानों को शिकायत होती है कि गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि कुरान महफूज नहीं और हमारे मौलाना हजरा इन एतराज़ का वो जवाब देते हैं जिसे आप तकी साहब के मकाले में देख चुके हैं इकबाल के अल्फाज में किस कदर मज़लूम है हमारा कुरान अब आइए कुरान में नासिक व मनसुख के अकीदे की तरफ हम इस सिलसिले में पहले भी बहुत कुछ और मतदीद बार लिख चुके हैं लेकिन चूंकि अलबलाग ने इसे हिफाजत कुरान के सिलसिले में बतौर दलील पेश किया है इसलिए इस बारिगर बार वजाहत जरूरी समझते हैं ये अकीदा हाल का वजह करदा नहीं बल्कि उस जमाने से चला आ रहा है जब से वजह रवायत वजूद में हैं, और इस वक्त तक चला जाएगा जब तक मुसलमानों की हालत रहेगी दो बटाईसौ सत्तर जब इनसे कहा जाता है कि कुरान का इतबा करो तो कहते हैं कि नहीं हम तो उसी मसलक का इतवा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया अंधी तकलीद और कुरानी बसीरत दो मतजाद चीज़ें हैं जो एक जगह कभी इकट्ठी नहीं हो सकती इसी मसलक तकलीद की रू से मुसलमानों ने कुरान के बेशतर हिस्से को मनसूख करार दे रखा है और ये नसक सिर्फ कुरान की दूसरी आयत ही से नहीं होता बल्कि कुरान की आयतें अहद से भी मनसूख समझी जाती हैं इस अकीदे की सनद में कुरान करीम की वही आयत पेश की जाती है जिसे तकीर साहब ने अपने मकाले में दर्ज किया है यानी क़ुरान में ना सिख व मनसूख के अकीदे की तइद इस आयत से तो नहीं होती अलबत्त इस तर्जमे से होती है जिसे थकी साहब ने अपने मकाले में लिखा है वो इसका वर्जुमा यूँ लिखते हैं हम जिस आयत को भी मनसूख करेंगे या बुला देंगे हम इसे इस बेहतर या इस जैसी ले आएंगे इस आयत का फ़ैल मुस्तबिल में तर्जम करने से ये मुतबादर होता है कि खुदा ऐसा करेगा ये तर्जमा कुरानी तर्जुमाफहूम के ख़िलाफ़ है और इसे महज इस अक़ीदे की तइद के लिए इख्तियार किया गया है शाह रफ़ीद्दीन इसका तर्जमा करते हैं जो मौकूफ़ करते हैं हम आयतों से या भुला देते हैं हम इनको लाते हैं हम बेहतर इनसे या मानिन इनके मौलाना महमूद उलहसन मरहूम ने यूँ तर्जमा किए जो मनसूख करते हैं हम कोई आयत या बुला देते हैं तो भेज देते हैं उससे बेहतर या उसके बराबर यानी यह नहीं कि नज़ुल कुरान के ज़माने में ख़ुदा ने कहा था कि तकी साहब के तर्जे के मुताबिक कुरान की जिन आयतों को हम मनसूख करेंगे या बुला देंगे तो उनसे बेहतर या उन जैसी आयत और भेज देंगे अल्लाह ऐसा नहीं कहा उसने अपने वही का एक इस्लूब बयान किया है उसने कहा है कि हम ऐसा करते चले आ रहे हैं इससे क्या मुराद है इसे ग़ौर से सुनिए कुरान करीम का दावा है कि नबी अकरम से पहले तमाम अम्बिया कराम खुदा का पैगाम लाते रहे मुखालफिन का एतराज़ था कि अगर कुरान की तालीम भी वही है जो पहले अम्बिया कराम की थी तो फिर कुरान में इन किताबों से मुख्तलिफ एहकाम क्यों हैं जिन्हें वो अपनी आसमानी किताबें कहते हैं कुरान ने कहा कि वही का असलोब ये रहा है कि जो अहकाम वक्ती तौर पर नाफिजुल अमल रहने के लिए दिए जाते थे उन्हें बाद में आने वाले रसूल की वही मनसूख कर देती थी और उनकी जगह उनसे बेहतर अहकाम यानी ऐसे अहकाम जो ज़माने के बदले हुए तकाजों को पूरा कर सकें दिए जाते थे दूसरी बात ये थी कि सबिका अम्बिया कराम की वही अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रहती थी इसमें तहरीफ और वहाक़ भी होता था और इसका अक्सर हिस्सा हवादी से अर्जी वमावी की वजह से या खुद इंसानी दसीसा कारियों के बायस या वैसे ही जहनों से फरामोश हो जाता था बाद में आने वाला रसूल इस फरामोश शुदा हिस्से को मिन जानबाला हासिल करके फिर लोगों को दे जाता था कुरान चूंकि सबसे आखिर में आने वाली किताब थी इसलिए इसने तमाम सबका अहकाम को जो वक्ती तौर पर नाफिजलमल होने के लिए दिए गए थे मनसूख कर दिया और उनकी जगह ऐसे ओसूली अहकाम दे दिए जो हमेशा के लिए रहने वाले थे सबका अम्बिया बी की तालीम का वो हिस्सा जो फराम कर दिया गया था लेकिन जिसका बाकी रखा जाना मकसूद था इसे कुरान दोबारा ले आया इसकी वजह से अहल किताब कुरान में बाज़ बातें ऐसी पाते थे जो इनके अहकाम के खिलाफ जाती थी यानी जिन्हें कुरान ने मनसूख कर दिया था और इनकी जगह दूसरे अहकाम ने ले ली थी यह ऐसी बातें जिनका इन किताबों में कहीं जिक्र न था जो इनके पास उस वक्त मौजूद थी यानी वो हिस्सा जो इनके यहाँ फरामोश हो चुका था और जिसे कुरान दोबारा लाया था वो इस तब्दीली को बतौर एतराज़ पेश करते थे कि अगर कुरान इसी खुदा की तरफ़ से है जिस खुदा ने सबिका किताबें नाजिल की थी तो फिर कुरान बे न्याई इन किताबों जैसा क्यों नहीं है देखिए कुरान करीम इनकी इन बहाना बाजियों की पर्दाकशाई किस अंदाज़ से करता है वो कहता है कि ए रसूल अहले किताब हों या मशरकिन अरब वो इसे गबारा ही नहीं करते कि वही तुम्हारी तरफ नाजिल हो ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 2:105 أهل الكتاب والمشركين العرب جو بھی قران کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کے اس انکار کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ وہ اسے چاہتے ہی نہیں कि खुदा की ये खैर व बरकत तुम्हारी तरफ नाजिल हो जाए लेकिन ये तो खुदा की मशीयत के मुताबिक होता है ना कि लोगों की मंशा के मुताबिक वो अपनी रहमत के लिए जैसे चाहता है मुख्त कर लेता है वो साहिब फजल अजीम है अहले किताब में से यहूदी इस इनकार इनकारखालफत में पेश पेश थे उनकी इस मुखालफ की असर वजह तो ये थी कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि नबोवत बनी इसराइल को छोड़कर बनी इसमाइल की तरफ चली जाए लेकिन एतराज इस किस्म के करते थे कि कुरान के एकाम इनकी शरीत के खिलाफ क्यों हैं मसन इनके यहाँ ऊंट आराम था कुरने से हलाल करा दे दिया वगैरह वगैरह इसके जवाब में कुरान ने यह बताया कि वही का स्तब ये है। नंसख मिन आयत नाती मिन दो बटा एक सौ छ में बयान किया गया है कि हम जिन सबका अहकाम को मनसूख कर देते हैं उनकी जगह बाद में आने वाले नबी की वसात से उनसे बेहतर अहकाम भेज देते हैं और सबका तालीम में से जो हिस्सा फरामोश कर दिया जाता है उसकी जगह उसकी मिसल ले आते हैं यही इस तो कुरान में कल फरमाए सुर नहल में मुनकरन कुरान का एतराज़ इन अल्फाज बयान किया गया है

लेकिन हकीकत यह कि ये लोग जानते नहीं कि वही का असलोब क्या है देखिए बात किस किसका दरवाज़े है ये तो हुआ कुतुब सबिका के उन अहकाम के मतलब जिन्हें खुदा खुद मनसूख करके वही जदीद में इनसे बेहतर अहकाम अता कर देता था इनमें से ऐसे अहकाम भी शामिल थे जिन्हें अहले किताब ने अपनी तरफ से वज़ा करके शामिल किताब कर रखा था इसकी शहादत कुरान करीम के मुख्तिक मकाम में मौजूद है मसलन पाँच बटा तेरह इन तहरीफ़त

और हमने ये रसूल से पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा जिसके साथ ये माजरा ना गुजरा हो कि इसके बाद इसके तिलावत करदा पैगाम खुदाबंदी में शैतान ने अपनी तरफ से कुछ मिला ना दिया हो शैयातिन ये करते थे और अल्लाह इनकी इस आमजश को दूसरे रसूल की बेसत से मिटा देता था और अपने पैगाम को फिर मक्म बना देता था अल्लाह आलम ये था वही के प्रोग्राम का असलोक यानी हर रसूल की तरफ भेजी जाने वाली वही सबका वही के उन एहकाम को मनसूख कर देती थी जिनका बाकी रखना मकसूद नहीं होता था खा वो एकाम सबका कुतुब में अपनी असली शक्ल में मौजूद हों और खा वो इल्हा की या वहारफ हों इनकी जगह इनसे बेहतर एहकाम नाजिल कर दिए जाते थे दो बटा एक सौ छः पहले किताब की अपनी किताबों के बाद पैगाम के फरामश कर देने का भी जिक्र करीम में मौजूद है पाँच बटा तेरह और चौदह अगर इन फराम करदा पैगाम का मौजूद रखना मकसूद होता तो जदीद वही खुदाबंदी इन्हें बहाल कर देती इन तस््रियात की रोशनी में देखिए कि आया आया तनसीख दो, दो बटा एक सौ नौ कि सही मफहूम के समझने में कोई दिक्कत भी पेश नहीं आती है यानी इस मफहम के समझने में कि वही का अस्तित्व ये रहा है कि जिन सबका अहकाम का बाकी रखना मकसूद नहीं होता था उन्हें मनसूख करके वही जदीद में उनसे बेहतर अहकाम दे दिए जाते थे और वही सबका के जिन अहकाम को अलहाल ही रखना मकसूद होता था वही जदीद में इनकी तजदीद कर दी जाती थी खा अह किताब ने इन्हें फरामोश ही क्यों ना कर दिया हो इस मफहम को सामने रखिए और भी सोचिए कि क्या इस अकीदे की कोई असल हो सकती है कि कुरने करीम की अपनी आयात दूसरी आयात से मनसूख हैं और बाज़ आयात ऐसी हैं जो कुर करीम में नहीं हैं लेकिन उनका हुक्म बाकी है और ऐसी भी जिन्हें पहले नाजिल किया गया था फिर उन्हें महव कर दिया गया यानी यही नहीं बल्कि यह अकीदा भी कि कुरान की आयत रिवायत से मनसूख हैं फिर ये भी सोचिए कि अगर ये अकीदा रखा जाए कि कुरान की बाज़ आया मौजूदा आयतें दूसरी आयत से मनसूख हो चुकी हैं लेकिन खुदा ने बताया नहीं कि कौन सी आयत कौन सी से मनसूख हो चुकी हैं तो इसी से कुरान भेजने वाले खुदा के मतलब क्या तस्वूर पैदा होता है लेकिन हमारी मजहबी पेशवाइत को इससे क्या गरज कि खुदा के मतलब क्या तस्वूर पैदा होता है और रसोल्ला के मतलब क्या ख्याल क़ायम होता है इसे तो सिर्फ इससे गरज है कि जो कुछ होता चला आ रहा है इसमें कहीं फ़र्क ना आ जाए खो अपनी असल के एतबार से यहूद की मकजूबात हों या नसारफतरियात मजूस की मुख्तरात हों या सनादीद अजम की खराफात अब अबाइए तकी साहब की पेश करदा दूसरी आयत की तरफ यानी का फला तंसा इल्ला सतासी और सात। इसका तर्जमा इन्होंने किया है हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप बोलेंगे नहीं मगर जो कुछ अल्लाह चाहे इस आयत को इन्होंने इस अकीदे की तायद में पेश किया कि खुदा पहले कुरान में कुछ आयत नाजिल कर देता था फिर उन्हें वापस ले जाता था और उन्हें हुजूर के हाफजे से भी महव कर देता था पहली बात यह, कि यह है कि यह अक़ीदा सिरे से कुरान करीम के ख़िलाफ़ है कि खुदा पहले कुछ आयत नाजिल करता था और फिर उन्हें वापस ले जाता था कुरान करीम में सत्रह बटा छियासी अगर हम चाहते तो जो कुछ तेरी तरफ वही किया जाता है उसे उठाकर ले जाते और फिर कोई कुवत तेरी तरफ से हमारे ख़िलाफ़ वकालत करके उसे वापस न दिला सकती अगर हम चाहते से वाजह है कि अगर खुदा चाहता तो वह ऐसा भी कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा इसलिए ऐसा नहीं किया इससे वाज है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हज़ूर पर नाजिल किया इसमें से कुछ भी वापस नहीं ले गया इसके बाद आइए आयत नंबर सतासी बटा छः की तरफ जिसे ये मफहूम लिया गया है कि जो कुछ हज़ू की तरफ नाजिल किया जाता था उसे आपको तो नहीं बुला सकते थे लेकिन जिस हिस्से से मुतल ख़ुदा चाहता था वह के हाफे से महू हो जाता था इसके लिए सनद अशा अल्ला जिसका मतलब लिया जाता है बजुज इसके जिसके लिए खुदा की मशीत हो कि आप भूल जाए तसी का मादा नून सीन ये है जिसके मायने भूल जाने के अलावा तर्क कर देने हिफाजत छोड़ देने के भी हैं अलमनारामा मोहम्मद अब्द मरहूम की बड़ी मुस्ंद और मशहूर तफसीर है जिसे उनके शागि अलामा रशीद रजा मरहूम ने मरतब किया है आयत नंबर सतासी वह छः की तशरी में वो नसीन के मुख्तलिफ मतालब बयान करने के बाद लिखते हैं अगर इसके मायने भूल जाने के भी लिए जाए तो भी अल्लाह इसकी नफी कर देता है क्योंकि इस तस्ना बिलमशियत असलोब कुरान में हर जगह सबूत और इस्तमरार के लिए आता है यानी जहाँ इल्ला के बाद माशा वगैरह लफ्ज़ आए जिनसे मुराद मशीत खुदावंदी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा पहले कहा गया है इसके खिलाफ हरगिज नहीं होगा जैसा कि दूसरी जगह है خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ جربت यानी हर मक्तु और इस्तसना में यह नुक्ता है कि यह जाहिर कर देना मकसद है कि यह अमूर जो साबिता और दायमा हैं खुदा की मशीअत से ऐसे हैं अपनी तबियत के लिहाज से ऐसे नहीं अगर खुदा इसके खिलाफ चाहता तो इनको वैसा ही बना देता लेकिन उसने ऐसा चाहा नहीं है ये अलमनार जल्द अवल सफा नंबर चार सौ सो, सोलह से उन्नीस जेर नन सुख व नन सुहा इला माशा अल्लाह की इन मानी के रू से सूरतुल आला की आयत नंबर छः का सही मफहम यह होगा कि ए रसूल जो कुछ हम तुझे वही की रूह से पढ़ाएंगे तो इसमें से ना तो कुछ तर्क कर सकेगा ना फरामोश ऐसा कभी नहीं होगा ये हतमी बात है ये है कुरान करीम के रूह से कुरान की सही पोजीशन अल्लाह ताला ने तोम अव्वल से जो कुछ हुजूर पर नाजिल फरमाया और योम आखिर तक जब उसके तमाम इतमाम का ऐलान कर दिया उसका कोई एक लफ्ज़ भी ना मनसूख हुआ ना तब्दील ना फरामोश ये सारे का सारा कुरान हुजूर ने ख़ुद लिखवा कर ज़ुबानी याद करा कर साहबा को दिया और वही कुरान बिला तगैर व उम्मत के पास मतवातर चला आ रहा है जिस किताब की हिफाजत का जुम्मा ख़ुद खुदा ने ले रखा है पंद्रह बटा नौ इसमें तगैर व तबद्दुल कैसे हो सकता है मुसलमान तो एक तरफ ख़ुद गैर मुस्लिमों की तहकीक भी इसकी शाहिद है ये तो है कुर करीम की से हिफाजत तो कुरान की पोजिशन लेकिन वजह रिवायात ने इसका कुछ भी गैर मशकूक नहीं रहने दिया और उन्हीं के सहारे ग़ैर मुस्लिम इसके खिलाफ़ एतराज करते रहते हैं इन एतराजात का जो जवाब दिया जाता है उसका नमूना आप तकी साहब के मकाले में देख चुके हैं याद रखिए जब तक आप इन वजह रवायात को सही और मस्त तस्तीम करते रहेंगे न कुरान की हिफाज़त साबित हो सकेगी और ना ही महतरजीम के किसी एतराज़ का इतमान बख्श जवाब दिया जा सकेगा इस किस्म की रवायात के मतलब सही मौक़ हुई है जिसे मौलाना अब्बुल कराम आज़ाद मरूम ने इन अल्फाज में बयान किया है रवायात की किस्मों में से कितनी ही बेहतर किस्म की कोई रवायात हो बहरहाल एक गैर मासूम रावी की शहादत से ज़्यादा कुछ नहीं और हर मासूम की शहादत एक लम्हे के लिए भी यकीनियात के मुकाबले में तस्लीम नहीं की जा सकती हमें मान लेना पड़ेगा कि ये अल्लाह के रसूल का क़ौल नहीं हो सकता यकीनन यहाँ रावियों से ग़लती हुई है और ऐसा मान लेने से ना तो आसमान फट पड़ेगा और ना ज़मीन शक हो जाएगी लेकिन यहाँ तो मुसीबत यह है कि वही बात मौलाना आज़ाद कहें तो वह इमाम के इमाम रहें लेकिन वही बात लो इस्लाम कहे तो इसे मनकर हदीस काफ़र मरत करार दे दिया जाए लेकिन तलु इस्लाम को मनकर हदीस और काफर करार देने से आप अपने आप को तो मतमइन कर सकते हैं बल्कि फरेब दे सकते हैं गैर मुस्लिम मोतरजीन के एतराज़ा का जवाब नहीं दे सकते क़ुरान मजीद की हिफाजत साबित नहीं कर सकते इसके लिए तो मौलाना आज़ाद की तरह मुनकर हदीस बनना और इस्लाम के खिलाफ एतराज़ा का जवाब देने के लिए कुरान को सनद वजरत करार देना ही पड़ेगा अक्टूबर उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी